मेरे प्यारे बच्चे, समर्पण एक बहुत ही उत्कृष्ट शब्द है, लेकिन जब तुम समर्पण करते हो तो एक सकारात्मक और आनंदमय समर्पण होना चाहिए। वो जब तुम हताश और निराशा में भी समर्पण भाव रखते हो तो मैं स्वीकार तो करता हूँ और तुम्हारी मदद भी करता हूँ, लेकिन जब तुम मेरे और इस ब्रह्मांड के प्रति सकारात्मक समर्पण सीख लेते हो तब तुम अगले चरण में विकसित होते जाओगे। अपना कंपन हमेशा ऊंचा रखो। अपने कंपन को जानने का सबसे अच्छा तरीका है हर सेकंड अपनी भावनाओं का विश्लेषण करो। प्रेम, आनंद, शांति, आशा, साहस और दया की भावनाएं हमेशा तुम्हारे कंपन को बढ़ाती हैं, जबकि क्रोध, शोक, उदासीनता, अपराध बोध, अहंकार और शर्म इसे कम करती हैं। इसलिए एक बार जब तुम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पा लेते हो तो अपने कंपन को नियंत्रित करना आसान हो जाता है। प्रतिदिन ध्यान करो और मेरा नाम जप करो।